विच माइक्रोटॉम्स यूज फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज, एग्जाम्पल फॉल ब्रैंड। तो इसके लिए कौन सा कटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं? तो होता है स्लेज, माइक्रोटॉम का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच माइक्रोटॉम्स यूज फॉर कटिंग फ्रोजन सेक्शन ऑफ अ टिश्यू। फ्रोजन सेक्शन टिश्यूज का कटिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। थर्ड क्वेश्चन, विच मैथड इज यूजफुल फॉर रैपिड हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। तो इसके लिए भी फ्रीजिंग माइक्रोटोम का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है, विच इज यूजफुल मैथड टू एग्जामिन द सेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर्स ऑफ सबस्टेंस, एग्जाम्पल फैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी फ्रीजिंग माइक्रोटोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन एग्जाम्ड बाई यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो वेरी थीन जो सेक्शन होता है उसको एग्जामिनेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से। छठवां है, विच माइक्रोटोम्स आर यूज टू वेरी थीन सेक्शन अप टू 1 माइक्रोन थिकनेस। तो बहुत पतला जो सेक्शन कटिंग किया जाता है वो किसके द्वारा? तो उसके लिए जो माइक्रोटोम का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है अल्ट्रा माइक्रोटोम्स, जिसमें 1 माइक्रोन्स तक के मोटाई तक का जो सेक्शन किया जाता है, टिश्यू सेक्शन या कटिंग किया जाता है। सेवन है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल इन अ स्मियर इज कॉल्ड। तो इसको जो स्मियर होता है इसको क्या कहते हैं? तो होता है साइटोलॉजी, जो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है किसी सेल का तो उसको साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, टिश्यू की स्टडी जो होता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यूज। अभी आप पढ़े फ्रेंड्स कि टिश्यूज का स्टडी को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी। एंड जो स्टडी किया जाता है वो बीमार टिश्यूज का, डिजीज टिश्यूज का, उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। जिस सब्जेक्ट पे आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वह होता है हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है ए कंसर्न विथ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो अर्ली डिटेक्शन कैंसर जो होता है वह एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। नेक्स्ट है द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन कलेक्टेड बाई। तो जो हिस्टोपैथोलॉजिकल कलेक्टेड होते हैं ओटी में कलेक्शन किया जाता है वो किसके द्वारा? तो वो सर्जन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन अ टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट इमीडिएटली प्लेस इन सॉल्यूशन कॉल्ड। जब टिश्यूज को बायोप्सी या कुछ भी मतलब जो करने के लिए टिश्यूज को बॉडी से अलग किया जाता है टेस्ट करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो उस समय जिसे इमीडिएटली उसका जो रंग रूप या जो बनावट है, स्थिति यथा स्थिर बनाए रखने के लिए, तो जो सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो उस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? तो वो होता है फिक्सेटिव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है या हिंदी में इसको स्त्री कारक के नाम से जाना जाता है। व्हेन ए टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड इमीडिएटली प्लेस इन सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो प्रोसेस होता है उसको फिक्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू कट सेक्शन इन फिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन वैक्स इज कैरिड आउट दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो जब सेक्शंस होते हैं उसमें कटिंग के लिए उसमें जो हार्डनेस प्रदान किया जाता है तो पैराफिन वैक्स कैरिड आउट द प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे इम्बेडिंग कहते हैं। इम्बेडिंग ए प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यूज आर कट बाय यूजिंग एन इक्विपमेंट्स कॉल्ड माइक्रोटोम। तो वो मशीन जो जिसके द्वारा सेक्शन किया जाता है उसे माइक्रोटोम कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? इसे माइक्रोटोमी कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो माइक्रोटोमी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द सेक्शन टिश्यू रिहाइड्रेट विज। जो टिश्यूज को सेक्शन किया जाता है उसको हाइड्रेट किया जाता है, इसके बाद फिर से रिहाइड्रेट किया जाता है। तो रिहाइड्रेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है एथाइल
अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आंसर है एथाइल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।